नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं माहिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वेल्डिंग मशीन के बारे में। ये मेरी आर्क वेल्डिंग मशीन है, ARC 200N। तो ये मेरे पास ठीक होने के लिए आई है। दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा, तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप एंड तक देखें। तो दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा कोई फॉल्ट नहीं होता। जब ये ख़राब हो जाती है या छोटी सी कोई हमारी रेजिस्टेंस वगैरह जल जाती है, वो भी हमारी ही गलती से कि हम ज़्यादा इसको यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये मशीन का मेरा एक मदर बोर्ड है। तो दोस्तों, एक चीज़ और है, ये मेरी IGBT मशीन है। ये देखिए, मेरे सारे IGBT इसमें लगे हुए हैं। ये ट्रांजिस्टर या मोसफेट वाली नहीं है, ये IGBT वाली मशीन है। जो ये मेरी मशीन है, ये एकदम डेड है, तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस ये बार बार फ्यूज उड़ा रही है। तो सबसे पहले हम इसमें कोई चीज़ शॉर्टिंग है वो चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है, तो हम डिस्प्ले की 24 वोल्ट इस पर चेक कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, हम इसकी ये वाली जो सप्लाई है मोसफेट वाली, उसको हटा देते हैं। और कभी कभी ये चार्ज होने के बाद भी शॉर्ट दिखाते रहते हैं। हमने ये अपना कार्ड किसी भी चीज़ से इसको साफ कर लो, पेट्रोल से, आइसोप्रोपाइल वगैरह से, और ये सारे कनेक्टर वगैरह भी एक बार हम साफ कर लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने पहले भी आपको बोल दिया है, इसमें कोई फ्यूज ख़राब हो जाता है या एक कोई रेजिस्टेंस है वो ख़राब होता है, IGBT इसके तब ख़राब होते हैं जब हमारा एयर फैन रुक जाता है, इसको एयर कूल नहीं करता। इसमें एयर कूल के लिए फैन लगा हुआ आता है, उसको ही हमें ध्यान रखना है कि वो हमारा बंद ना हो जाए। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, उसमें हम इसे कभी ज़्यादा वोल्टेज पर नहीं लगाएं, 220 वोल्ट ही दें। बाकी हम इसका जो करंट बढ़ाते हैं आउटपुट का करंट बढ़ाने का, इसका बिल्कुल अलग मेथड होता है। तो इस हिसाब से हम इसको ही यूज करते हैं। यदि इसमें कोई फॉल्ट आता है, तो देखिए, मैं ये वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, मेरी इसकी सारी जितनी भी वोल्टेज हैं, ये वोल्टेज एकदम परफेक्ट आ रही है। लेकिन फ्यूज क्यों उड़ रहा है, इसके लिए कोई या तो डायोड ख़राब है या कोई एक छोटा सा IGBT या ट्रांजिस्टर कोई एक ख़राब है। तो मैं इसको रिमूव कर लूँगा, मैं भी बताऊँगा कि आप इसमें क्या चीज़ ख़राब है। मोसफेट ख़राब है, ट्रांजिस्टर ख़राब है, रेगुलेटर ख़राब है। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें दोस्तों कार्ड की एक एक सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। और जो हम सप्लाई चेक करते हैं दोस्तों, हम बल्ब के सीरीज में इसकी सप्लाई चेक करते हैं, नहीं तो ये हमारी कहीं भी शॉर्ट हो के कोई भी एक कंपोनेंट हमारा जल जाएगा। और दोस्तों, इसमें हमारा प्रोग्राम होता है, ये देखिए, सामने मैं दिखाऊंगा लास्ट में, हमारा एक वेरिएबल पोर्ट होता है। वेरिएबल पोर्ट से ही हम इसकी करंट बढ़ाते हैं और इसकी करंट कम करते हैं। ये कम वजन की सबसे छोटी मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है। तो देखिए, ये हमने इसके ये रेगुलेटर हैं, ये रेगुलेटर मेरे ख़राब निकले हैं। तो बस हम रेगुलेटर चेंज करने के बाद मशीन को टेस्ट कर लेंगे। एक बार फाइनली इसको टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसने अपना वर्किंग कर दिया है या नहीं। तो इसकी जो मेरी आउटपुट वोल्टेज होती है, वो मेरी आउटपुट वोल्टेज 40 वोल्ट होती है। तो 40 से 50-60 वोल्ट तक इसमें आउटपुट होती है। ऐसे ही सिंपल वाली मशीन में भी मेरी 40 वोल्ट आउटपुट होती है। दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। हम इसके रेगुलेटर चेंज
कर देते हैं। और एक चीज़ और है, हमें इसके रेगुलेटर चेंज करने के बाद भी ये वाले हमें इसके और कंपोनेंट भी चेक करने हैं। इसके लगाने के बाद ये रेगुलेटर हमें सारी वोल्टेज चेक करनी है कि हमारी वोल्टेज पूरी पूरी आ गई है। तो इसके बाद हम इसको मशीन को बंद कर देंगे, पूरी आपको हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे, एंड तक हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे। इसमें 40 से 60 62 वोल्ट तक बनती है, करंट बढ़ाया जाता है। तो इसके बाद हम इनको लगाने के बाद आपको बिल्कुल एकदम फाइनल टेस्ट भी कराएंगे। तो दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मशीन बन के बिल्कुल एकदम तैयार हो गई है। सारी देखो, देखे ये वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट बन रही है, मेरी 12 वोल्ट और इस टाइप से मेरी 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये सारी बन के तैयार हो गई। अब डिस्प्ले भी आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।